फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जिनको हम दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता और बेंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। अगर आपको सौरभ गांगुली पसंद है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सौरभ गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ। उनका पूरा नाम सौरभ चंडीदास गांगुली है। उनके पिता चंडीदास गांगुली एक सफल छपाई का व्यवसाय चलाते थे और उनकी मां निरूपा गांगुली एक हाउसवाइफ थी। वे अपने घर में सबसे छोटे थे। उनके पिता कोलकाता के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक थे। गांगुली ने एक सम्राट बचपन बिताया और उन्हें महाराजा के उपनाम से भी बुलाया जाता था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के फेमस स्कूल सेंट जेवियर स्कूल से प्राप्त की। इस दौरान उन्हें फुटबॉल खेलने में काफी इंटरेस्ट आता था क्योंकि कोलकाता में फुटबॉल काफी लोकप्रिय है। परंतु उनके बड़े भाई ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए कहा और उन्होंने उनकी सलाह सुनकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जल्दी ही क्रिकेट की तरफ उनका लगाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस खेल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फिर उनकी लगन और मेहनत से उन्होंने ऐसा तालमेल बिठाया कि वे भारत के चमकते सितारों में गिने जाने लगे। सौरभ ने स्कूल के दिनों से अपने बल्ले के धमक को दिखाना शुरू कर दिया था और इस दौरान उन्होंने बंगाल की अंडर 15 टीम की तरफ से ओडिशा के खिलाफ सेंचुरी लगाया। उनके शाही अंदाज के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें इसी टीम में एक्स्ट्रास के तौर पर चुना गया था तो एक मैच के दौरान उन्हें खिलाड़ी को पानी पिलाने को कहा गया, परंतु उन्होंने इस काम को करने से साफ मना कर दिया और मैच छोड़कर चले आए थे। हालांकि उनके इस बर्ताव के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था और उन्हें टीम से बाहर भी निकाल दिया गया था क्योंकि ऐसा बर्ताव स्पोर्ट्समैनशिप का तिरस्कार करता है। ये और ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स थे जिन्होंने सौरभ गांगुली का हम्बल बनाया और ये सिखाया कि हर इंसान कितना भी अमीर या गरीब क्यों न हो, पर जब वो फील्ड पर उतरता है तब वो एक स्पोर्ट्समैन होता है। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें भारत के लिए खेलने के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 20 जून 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया और अपने डेब्यू में ही उन्होंने सेंचुरी लगाया और उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू 11 जनवरी 1992 को वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई 15 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के खिलाफ और अपना आखिरी टेस्ट मैच 6 नवंबर 2008 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 113 मैचेस खेलकर 7212 रन बनाए जो कि इंक्लूड करते हैं 35 अर्धशतक और 16 शतक और उनका सर्वाधिक स्कोर है 239 जो कि उन्होंने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। उन्होंने अपने ओडीआई के करियर में 311 मैचेस खेलकर 11363 रन बनाए जो कि इंक्लूड करते हैं 72 अर्धशतक और 22 शतक और उनका सर्वाधिक स्कोर 183 जो कि उन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका का खिलाफ बनाया था। उनके शानदार करियर के सिवा वे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी होल्ड करते हैं। जैसे गांगुली दुनिया में 5 क्रिकेटरों में से एक है जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए, 100 से ज्यादा विकेट्स लिए और 100 से ज्यादा कैचेस पकड़े हैं। उनकी बैटिंग लेवल 40 से नीचे नहीं जाती थी। गांगुली भारत के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर वाला है। गांगुली भारत के पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी लगाया। गांगुली भारत के सबसे सफल टेस्ट ओवरसीज कप्तान हैं जिन्होंने 28 में से 11 मैचेस जीते हैं। गांगुली एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने अपने डेब्यू में शतक लगाया और अपने आखिरी इनिंग्स में 0 में आउट हो गए। गांगुली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक भी माना जाता है। 1997 के सहारा कप में सौरभ ने लगातार 5 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड कायम किया और फिर मैन ऑफ द सीरीज भी जीता। सौरभ गांगुली को 1997 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1998 में गांगुली को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। सन 2004 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गांगुली ने 1997 में डोना रे से शादी किया और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम सना गांगुली है। सौरभ गांगुली अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी है। उनके पास बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी शानदार गाड़ियां हैं। गांगुली एक बंगाली शो दादागिरी के होस्ट रह चुके हैं और ये भी कहा जाता था कि वे इस शो के लिए हर हफ्ते 1 करोड़ रुपए लेते थे। इसके अलावा गांगुली आईएसएल क्लब एटी के मोहन बगान के शेयर होल्डर भी हैं। वे कोलकाता में एक शानदार से घर में रहते हैं। उनकी नेटवर्थ 55.5 मिलियन यूएस डॉलर से। आई होप फ्रेंड्स
आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक